बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त सैलाब की वजह से 1 करोड़ के करीब लोग मुतासर हुए। फैसलाबाद और साईवाल के दरमियान में रहने वाले लोगों को लोकल कहते हैं। वहां एक बाबा जी रहते हैं जिसकी सारी जिंदगी दुश्मनियां निभाते हुए गुजरी। इसी दुश्मनी के हाथों उसका बेटा भी कत्ल हुआ। कुछ नौजवान अतियात जमा करने के लिए उसके घर गए। बाबे ने पूरी बात सुनी, अंदर चला गया। वापस आकर उसने 1500 नकद और एक भैंस का बछड़ा उनके हवाले करने की कोशिश की। नौजवान ने 1500 रख लिया, मगर भैंस का बछड़ा लेने से इनकार कर दिया। अगले दिन फिर बाबा जी आए। उन्होंने अपनी धोती की डब से 10000 निकाला और उनकी मेज पर रख दिया। ये कैंप 7 दिन लगा रहा। बाबा जी 7 दिन दूध के पैसे लेकर आते रहे। बाबा जी की जिस गांव में दुश्मनी थी वहां सैलाब आया था। वो बाबा जी को साथ लेकर जाना चाहते थे। जब बाबा जी को पता चला ये फलां गांव जाना चाहते हैं, तो बाबा जी को सांप सूं गया। काफी देर बाद बाबा जी उठ खड़े हुए, कहने लगे, बलोचों की दुश्मनी में मेरा बेटा तो मर गया, मगर मैं अब उनकी जान को हलाकत में क्यों डालूं? आज कोई दुश्मनी नहीं, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। खवातीनों हज़रात, इसी तरह पाकिस्तानी आर्मी के नौजवान सैलाब में फंसे हुए लोगों की जान बचा रहे हैं।